एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। चलो तो सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने इस बैच में। बैच कोड ERKM 053 जनरल बैच है। प्रोनाउन आज टॉपिक है प्रोनाउन डे टू। तो आज की तारीख है 18 जनवरी 2021। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने कहा था ऑन बोर्ड क्लास लूंगा आप लोगों की। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि इतना खुश नहीं होना है कि आप डेली इस पे क्लास होगी। नहीं, जल्दी डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस होंगी इसके लिए मैं वादा करता हूँ। आज पानीपत आया हुआ था मैं, तो यही क्लासेस थी मेरी आज की सारी, जो भी शेड्यूल था यहीं का था, तो मैं यहीं रुक गया क्योंकि कल भी क्लास यहीं होगी मॉर्निंग में। तो जिस वजह से आज मुझे सौभाग्य मिल गया, या एक चांस लग बाई चांस कि आप लोगों की क्लास मैं आज इससे ले रहा हूँ। ठीक है, और बाकी जल्द ही डिजिटल बोर्ड पे भी आना है, तो अभी उसका काम चल रहा है दिल्ली में। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं बच्चों। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा था। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका वो बैच छूट गया था किसी भी रीजन से, चाहे वो क्लास मिस हो गई हो किसी कारण से, कुछ शादी में जाना पड़ गया हो, या चाहे एक्स वाई जेड जो भी आपके रीजन रहे हो, आई डोंट नो। तो उसके आगे हम चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों तक उसका बैकअप यानी कि नाउन तक का बैकअप पहुंचाया जा चुका है। यस, नाउन तक का बैकअप आप लोगों तक पहुंचाया जा चुका है, जहां तक मुझे पता है। मैंने आज दे दिया है आप लोगों को। ठीक है, जिसके पास अभी तक एक्सेस नहीं हो पा रहा मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं उसका एक्सेस आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो प्रोनाउन का आज डे टू है, तो जहां तक हमने कर लिया था हम उसके आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लेना सारे बच्चे। प्रोनाउन, प्रोनाउन में हमने बात करी थी एक बार, बस थोड़ा सा ब्रीफ चलते हैं पीछे, जो चीजें हमने पढ़ ली है एक बार उसके बारे में हम बात कर लें। जैसे हमने कहा था कि प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं बच्चों, तो हमने बात करी थी काइंड्स होते हैं 11। ठीक है, 11 तरीके के प्रोनाउन थे। अब परेशानी यहाँ ये है कि 11 प्रोनाउन याद कैसे करे, 5 नाउन होते हैं, उनके नाम याद करने में तो हमें हमारी नानी याद आ जाती है, तो ये 11 प्रोनाउन कैसे याद करें। अपने फ्रेंड्स के नाम आपको याद नहीं होते हैं, अपने फोन में सेव करना होता तो लिखते हैं क्या, पंकज क्लास वाला, है ना, राहुल गली नंबर 5, इस तरीके से फोन में सेव किया जाता है। तो सोचो प्रोनाउन को कैसे याद करें। तो इसकी मैंने एक आपको ट्रिक सिखाई थी, उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप लोगों को वो ट्रिक याद होगी। तो REPID क्या बन गया बच्चों, REPID, रैपिड, रैपिड मेट्रो से याद रखने ना, रैपिड। आर के ऊपर 3 2 2 2 2, कितने हो गए, 11। अब यहाँ पे आर के ऊपर 3 का मतलब क्या था, तो आर नाम से 3 होगा, कौन कौन सा, रेसिप्रोकल रिलेटिव रिफ्लेक्सिव। ई से 2 होगा, एक्सक्लेमेटरी एम्फेटिक पर्सनल पॉजेसिव इंटरोगेटिव इंडेफिनेट डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव। ठीक है, नाम हड़बड़ी में मत लिखो, मैं एक एक करके सारी चीज लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ होगा। ठीक है, चिंता मत करो। चलो तो हमने अभी तक एक पढ़ लिया था, कौन सा हमने कर लिया है बच्चों, तो पर्सनल प्रोनाउन। जहां तक मुझे याद है हमने शायद एक ही किया था, पर्सनल प्रोनाउन कर लिया था। आज हम सेकंड नंबर देखते हैं, लिख लेना सारे बच्चे, पॉजेसिव प्रोनाउन। आज हम सेकंड नंबर देख रहे हैं, पी से पर्सनल कर लिया है, अब पी से पॉजेसिव देखते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। राइट, चलो करें स्टार्ट। चलो बच्चों, देखो पॉजेसिव प्रोनाउन, ये कोई नया बच्चा आया, चलो तो पॉजिटिव प्रोनाउन इस पे हम देख रहे थे बच्चों, तो लिख लेना पॉजिटिव। हमारे पास बच्चे 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव केस, ये 2 प्रकार के हैं बच्चों। कौन कौन से हैं, एक होता है कौन सा पॉजिटिव, एक होता है बच्चों पॉजिटिव एडजेक्टिव, और दूसरा होता है
लिख लेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन। एक हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव बच्चों हमारे पास ये टर्म्स होते हैं, कौन कौन से, तो माई, योर, हिज, हर, आर, देयर और इट्स। माई, योर, हिज, हर, आर, देयर और इट्स, ये सारे होते हैं बच्चों हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा, अब इनको कई बार बच्चे जो है इसको प्रोनाउन समझने की गलती कर लेते हैं, तो ये प्रोनाउन नहीं होते हैं, इस चीज को पहले ही आप लोग जान लो। ठीक है, ये प्रोनाउन नहीं होते, प्रोनाउन ये होते हैं। माई का प्रोनाउन होता है बच्चों माइन, योर का प्रोनाउन होता है योर्स, हिज का प्रोनाउन सेम टू सेम, इसका हिज ही रहता है, हर का प्रोनाउन हर्स, आर का प्रोनाउन आर्स, देयर का प्रोनाउन देयर्स और इट्स का कुछ नहीं होता, इट्स का इट्स मत बोलना, इट्स का कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी कि हमने क्या सीखा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारे सात होते हैं और पॉजिटिव प्रोनाउन सिर्फ छह होते हैं, इसका इट्स नहीं बनता। ठीक है, तो माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स और इसका माइन, योर्स, हिज का हिज सेम, हर का हर्स, आर का आर्स, देयर का देयर, इट्स का नथिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके जरा कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। अब जैसे हमने कहा कि दिस इज माई बुक, तो अगर मैं इसका प्रोनाउन कहूं तो इसको कुछ ऐसा भी कहा जा सकता है कि दिस बुक इज माइन। माई का माइन आपने ऐसा सुना होगा बहुत बार। एक और ले लेते हैं, चलो, दैट वॉज योर आइडिया, तो इसका बना देंगे प्रोनाउन, तो दैट आइडिया वॉज योर का योर्स। अच्छा, माई का माइन आ रहा था हमने आसानी से पकड़ लिया, योर का योर्स आ रहा था हमने आसानी से देख लिया। अब यहां पे अगर हम बात करें हिज की, तो हिज की अगर हम बात करें, जैसे दिस इज हिज कार, तो दिस कार इज हिज, यहां पे दोनों में सेम वर्ड है, यहां पे दोनों में ही सेम वर्ड है, तो ऐसे में तो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि कहां पे कौन सा वाला हिज एडजेक्टिव था और कौन सा वाला हिज प्रोनाउन था, तो ऐसे में जो कंफ्यूजन क्रिएट होगी उसी को डील करते हैं। देखो बच्चों, रैंडमली अगर आपके सामने सेंटेंस आ जाए दिस इज हिज कार, तो कई बच्चे इस हिज को प्रोनाउन बोल देंगे और कई बच्चे इसको एडजेक्टिव बोल देंगे, तो ऐसा नहीं करना। देखो, एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है इसकी एक खास पहचान है कि इसके बाद नाउन आना कंपलसरी है। याद रखें, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है बच्चों इसके बाद नाउन आना कंपलसरी है। आप इन ये कोई भी दुनिया का सेंटेंस उठा लो जिसमें माय, योर, हिज, हर, मतलब ये वाली लाइन पढ़ लो, अपने आप दिमाग में नाउन आ जाएगा इसके बाद। जैसे माय पेन, योर फ्रेंड, आर क्लास, हिज टीचर, हर फादर, बन रहा है कि नहीं? अच्छा, इसकी पहचान क्या है कि इसके बाद नाउन नहीं आ सकता। ठीक है, इसकी पहचान है इसके बाद नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहां पे उस हिसाब से हमने देखा कि बुक नाउन था तो ये माई एडजेक्टिव है और माइन प्रोनाउन है, आइडिया नाउन था तो ये योर एडजेक्टिव है और योर्स प्रोनाउन है। यहां आ जाओ, कार नाउन था तो हिज एडजेक्टिव है और हिज नीचे वाला प्रोनाउन है। अब ये तो बात हो गई पहचानने की, लेकिन क्या आपको लगता है कि एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ पहचान करने की बात थी। अब आते हैं असली मुद्दे पे कि क्वेश्चंस किस तरीके के आने वाले हैं। हटा दूं जरा इसको। ठीक, पॉजिटिव केस के क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाने जाएंगे उसको देखिएगा आप जरा। ठीक है, उतारना जरा मेरे साथ एक। हर सिस्टर इज इन द क्लास कॉमा वेयर इज
वेयर इज, मैं आपको फिर इन द ब्लैंक में दिखा देता हूं, वेयर इज क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए बी सी और डी. ऑप्शन ए योर, ऑप्शन बी योर्स, ऑप्शन सी योर्स, ऑप्शन सी योर्स और फिर एपोस्ट्रोफ ए. अच्छा आगे बढ़ो. हिज इज द सेम प्रॉब्लम एज हर. हिज इज द सेम प्रॉब्लम एज हर. नोट कर लिया. विवेक राज कहते हैं सर ठीक से नहीं दिख रहा है. विवेक राज अगर ऐसा होता तो बाकी बच्चों को भी दिक्कतें आती, लेकिन अगर आप ही की साइड से, इसका मतलब आपके इंटरनेट का कुछ इश्यू है. वेयर इज योर्स. ओके अरे ए बी सी डी में से बताओ ना. ए बी सी ए डी. हाँ मैं देख रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स, लिखते जाओ. अच्छा ए, आराधना कहती है बी. ओके चलो मैं बताता हूं बच्चों ये क्या आंसर आया इनका. इसकी जगह ई है इसका. लहसुन प्याज रख. चलो मैं बता दूं, अब ध्यान से सुनो बच्चों. पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखो फर्स्ट था हर सिस्टर इज इन द क्लास, वेयर इज फिल इन द ब्लैंक. ठीक है तो यहाँ पे इसको कैसे किया जाता. ये कौन आ गई. नहीं एक मिनट, मेरे में तो साफ आ रहा है यार. तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि सर क्लियर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा. एक मिनट कहाँ गया. हाँ अब ठीक है. बड़ा कैसे होगा मेरे फोन में. हाँ हो गया, बिल्कुल साफ तो आ रहा है. और तुम कह रहे हो कि सर ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा. देखो कितना प्यारा लग रहा हूँ मैं भी, इतना स्मार्ट और हैंडसम पहली बार लग रहा हूँ. बताओ तुम मौज ले रहे हो. चलो देखो बच्चों, हिज सिस्टर इज इन द क्लास, वेयर इज फिल इन द ब्लैंक. देखो ना बच्चों, यहाँ पे हमारे पास, हमने बात करी कि इस पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगाना कंपलसरी है, इसके बाद नाउन लगाना जरूरी है. ठीक है तो अब जरा देख लेते हैं कि क्या इसके बाद नाउन था. हाँ या ना. अब देखो यहाँ पे वेयर इज, क्या इसके बाद कोई नाउन था. जी नहीं, इसके बाद नाउन नहीं था तो जाहिर सी बात है कि हमारा ए ऑप्शन तो आ नहीं सकता. इसको गोली मार दी हमने, काट दिया. अच्छा अब बाकी जो बच गया जरा उसके ऊपर गौर करो. ठीक है अब जरा मैं आपसे पूछता हूँ, हम ये लिख सकते हैं कि माई पेन है ना. क्या हम ये लिख सकते हैं माई एपोस्ट्रॉफ एस और फिर पेन. क्या ये पॉसिबल है. क्या ये पॉसिबल है माई पेन. तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो माई होता है, माई योर ही जो भी है, मतलब ये सारे पॉजिटिव हैं, और जो एपोस्ट्रोफ होता है वो भी पॉजिटिव होता है. तो दो दो पॉजिटिव एक साथ थोड़ी आएंगे. तो जब माई के साथ एपोस्ट्रोफ एस नहीं आ सकता, तो माई योर हिज हर आर देयर इट्स, इन सब के साथ भी पॉजिटिव नहीं आ सकता. ठीक है तो यहां पर ध्यान रखें कि ये और ये, सी और डी, इस नाम के इंग्लिश में कोई वर्ड होते ही नहीं है. योर एपोस्ट्रोफेस या योर्स एपोस्ट्रोफे, यहाँ पे इंग्लिश में ये वर्ड है ही नहीं. ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिए गए हैं और कुछ नहीं. आंसर है हमारा बी. यहाँ आ जाओ नेक्स्ट पे. हिज इज द सेम प्रॉब्लम एज योर. अब इसके लिए थोड़ा सा मुझे जगह लेनी पड़ेगी तब समझा पाऊंगा. नीचे मिटा रहा हूं मैं इसको. देखो पॉजिटिव
साइड करके लिखता हूँ, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन, इन दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस देखो क्या होता है। क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव पे सेंटेंस का स्टार्टिंग हो पाएगा, क्या पॉजिटिव प्रोनाउन पे स्टार्ट और एंड हो पाएगा? अब सोचो, क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव से हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं? हाँ या ना? मुंडी हिला दो तो भी दिख जाएगा, आप लोग तो दिख ही रहे हो मेरे को, ऐसे ऐसे कर दोगे तो भी समझ जाऊंगा मैं। देखो दांत दिखा रही है राधिका चलो बिल्कुल कंबल में लिपट करके, अरे काम चोरो। देखो स्टार्ट हो सकता है, जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूं कि माय फ्रेंड इज वेटिंग आउटसाइड, हिज फ्रेंड वाज देयर, शी हर सिस्टर इज प्लेइंग हॉकी क्रिकेट जो भी है कंचे, क्या इस पे खत्म हो सकता है सेंटेंस, ये बताओ? नहीं, खत्म नहीं हो सकता। क्यों क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, अभी जस्ट हमने पीछे बात सीखी है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, यानी इस पे खत्म तो नहीं हो पाएगा। अब आ जाओ इस पे, क्या इस पे स्टार्ट हो पाएगा? अच्छा एंड हो पाएगा? एंड तो हो जाएगा लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, बिल्कुल गलत है। स्टार्ट भी हो जाएगा, स्टार्ट और एंड दोनों हो जाएगा, स्टार्ट भी होगा और एंड भी होगा। ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या, किसका है ये? आराधना। हाँ स्टार्ट और एंड दोनों हो पाता है, यही हम गलतियां करते हैं, हमको ये तो पता है ये नहीं पता होता। ध्यान से सुनिएगा आप, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव पे स्टार्ट होगा एंड नहीं होगा, यहाँ पे स्टार्ट और एंड दोनों होगा। देखो कैसे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल कहा, हर हाउस इज बिग, हर हाउस इज बिग, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो हर था ये एडजेक्टिव था, क्योंकि इसके बाद देख रहे हो नाउन आ रहा है, बताया था ना पीछे मैंने, नाउन आ ही रहा है। अच्छा जिस बात को अगर मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव से कह रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो उसको पॉजिटिव प्रोनाउन से भी कह सकता हूं, लेकिन 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 किंतु परंतु बस इतना ध्यान रखना है कि जब मैंने हर का हर्ष बनाया तो इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए, तो इसको ऐसे कहा जाएगा हर्ष इज अ बिग हाउस, तो ये बन गया पॉजिटिव प्रोनाउन, समझ गए? तो ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमारे पास क्या आना था, कंपलसरी नाउन, ठीक है। और पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद ध्यान रखना है या तो सेंटेंस खत्म हो जाएगा, या तो आया भी तो क्या आएगा बच्चों, वर्ब आएगा, ध्यान रहेगा, या तो सेंटेंस हो जाएगा खत्म, या तो आएगा भी तो क्या आएगा, वर्ब आएगा। एक बार मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कॉमेंट्स पढ़ लेता हूँ, अच्छा यही लिख रहे हो आंसर, ठीक है ठीक है। चलो हो गया, बढ़िया। तुम लोग जूम ऐप पे इतने हैंडसम या ब्यूटीफुल तो नहीं लगते हो जितने कि तुम्हारे स्टेटस दिखते हैं, ऐसे खतरनाक खतरनाक, गजब गजब। तो मैं एक लौता प्राणी हूँ क्या जो ऑनलाइन ऑफलाइन सेम ही लगता हूँ ये देखो स्माइल, ये क्या लिखा, सर आज लग रही है क्लास सी चलो बहुत बहुत धन्यवाद। पता है इतना सही सिर्फ सेटअप लगाने लगाने का भी 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, इतने इतने में ही। खैर अभी हमारा डिजिटल वाला काम चल ही रहा है दिल्ली में, बस यही है कि एक बार गवर्नमेंट का ना परमिशन मिल जाए तो चीजें शुरू हो जाए, बस गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है कि कब से ऑफलाइन को एक्चुअल में शुरू किया जाए, तो बस उसी का वेट चल रहा है। एक बार ये अनाउंस हो जाए गवर्नमेंट या दिल्ली सरकार, ये कह देना एक बार कि इतने तारीख से है, हमारा सेटअप उसी दिन रेडी हो जाएगा, एक दिन का काम है। बस वही है कि जो बैकहेंड से जो सपोर्टिव है वो इसी चक्कर में रुके हुए हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन एक बार दोबारा बताइए, पॉजिटिव प्रोनाउन एक बार दोबारा बता दो। देखो बेटा पॉजिटिव प्रोनाउन में हमने ये बात कही कि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद या तो सेंटेंस खत्म हो जाएगा, या तो आएगा तो वर्ब का यूज किया जा सकता है, जैसे हर हाउस इज बिग, हर्स इज अ बिग हाउस, दोनों की मीनिंग सेम है। मैं एक और एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, जैसे माई बुक इज एक्सपेंसिव, माई बुक इज एक्सपेंसिव, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, माई का बना दो माइन, तो माइन इज एन एक्सपेंसिव बुक, दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों की ही मीनिंग सेम है, वो अलग बात है हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे,
ये जो बच्चे हिज लिखा है ना, अब आप कहोगे कि सर ये गलती गलती से लग रही है, सुनने में सूट नहीं कर रहा, लेकिन सच कहूं तो बेटा ये बिल्कुल सही था, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, आ रहा है इसके बाद वर्ब, हिज इज द सेम प्रॉब्लम एज हर्स, ये गलती थी, आप समझ गए, क्योंकि हर पे तो खत्म नहीं करना ना, अभी बताया ना मैंने, एंड नहीं हो सकता पॉजेसिव एडजेक्टिव पे, क्लियर हुआ यस और नो? जो जो कैमरे ऑन कर रखे हैं वो हाथ दिखा दो, अरे आदत हो गई ऐसी पढ़ाने की, डेली मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो जितने भी मतलब हरियाणा में मेरी क्लास जब चलती है पानीपत से, जहाँ मैं भी खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, तो पूरे हरियाणा में जितनी भी ब्रांचेस है, सोनीपत, समारका, कन्नौर, गोहाना, जींद, हिसार, चरखी चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, जितने भी पूरा हरियाणा में, तो मैं इसी तरीके से क्लास लेता हूँ, बड़ी सी LED यहाँ लगी हुई है, यहाँ स्क्रीन है, सब कुछ है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ बेटा जिसका हो गया हाथ हिला दो, यहाँ ऑफलाइन बच्चे बैठे होते हैं सामने, ऑनलाइन पे बच्चे होते हैं तो आराम से मालूम पड़ जाता है, तो वही वाली फीलिंग आ रही है अभी पढ़ाते हुए भी। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा कि कैसे डील करना है। एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ ब्रीफ में बता देता हूँ, ये शायद बैंकिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम में आ चुका है, कुछ ऐसा था, आर आर इज द सेम कार एज योर्स, इस तरीके से था, आर इज द सेम कार एज योर्स। अब यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसा अजीब सा लग रहा है, अब यहाँ पे हम नाउन लगाएं या यहाँ पे आर का आर्स लगा दे, तो बच्चों को लॉजिक नहीं पता होता, तो इस चक्कर में बड़े कंफ्यूज आते हैं, तो ध्यान सीधा रखना है कि बाकी सब ठीक है, बस यहाँ पे आर का आर्स कर देंगे, आर्स। अब बच्चे आर का आर्स भी करते हैं ना तो भी डाउट में रहते हैं, यार सुनने में सूट नहीं कर रहा, क्योंकि सीखा ही नहीं है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आर्स इज द सेम कार एज योर्स। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, पॉइंट नंबर 3 नेक्स्ट पे आ रहे हैं बच्चे, पॉइंट नंबर 3 आगे लिख लेना, इन डेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन जो कि नाम से ही पता चल रहा है जो कि डेफिनेट नहीं होता उसे इनडेफिनेट कहते हैं, किस तरीके के होते हैं टर्म्स इसको जरा समझिएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन कुछ एग्जांपल से पहले आपको दिखाता हूं, लिखिएगा जरा मेरे साथ, एवरीवन शुड ओबे डैश एल्डर्स, ए बी सी और डी, हर ऑप्शन बी हिज इट्स या देयर, नेक्स्ट, नोबडी हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट, एवरीथिंग was going good on their level. Next, one should always maintain his dignity and reputation लिखो एक बार से, एक आखिरी, somebody were waiting outside, चलो
इसको जल्दी से नोट करो सभी। चलो लिख लिया बच्चों, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? तो अगर क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार थम दिखा दो ऐसे करके, जो ठेंगा होता है। यस, फाबिया को बिल्कुल क्लियर है, पूजा, राधिका, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे? अब ये एक राशि है जिसने कुकर में से सारे चने निकाल दिए थे और खारी कुकर गैस पे चढ़ा दिया था। ये कहती है सर क्लियर नहीं दिख रहा, तो अब बताओ क्या किया जाए इनका। ये राशि है, राशि है ना? आप राशि पुत्री, आपकी साइड से फिर प्रॉब्लम है। चलो कर स्टार्ट। देखो बच्चे, इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? जो डेफिनेट ना हो, दैट्स इट, इनडेफिनेट। जैसे सपोज कीजिए, सपोज करें कि मैं क्लास में कभी आया, ठीक है, आप लोग क्लास में बैठे हो, अब मैं आता हूँ और कहता हूँ कि अ बॉय ब्रोक माई चेयर, ठीक है, ब्रेक द बॉय। इसका मतलब मैंने बात कही कि भाई किसी लड़के ने तोड़ा है, लड़के को तोड़ो, अब सारी लड़कियां लड़के को तोड़ देगी। अच्छा किसी दिन मान लो मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि अ गर्ल ब्रोक माई चेयर, ब्रेक द गर्ल। अब जो है यानी कि मैंने यहाँ पे डेफिनेट कर दिया कि भाई ये जेंडर लड़की का था, मतलब लड़की ने तोड़ा है, ठीक है। अच्छा सपोज करो कि मैं अचानक से एक दिन आके कहता हूँ समबडी ब्रोक माई चेयर, अब आप क्या करोगे? अरे मेरे को तो नहीं यार, कहीं ऐसा ना मेरे को तोड़ने। कहने का मतलब यह है कि जब मैंने समबडी बोला तो मैंने बात भी खत्म कर दी और आपको पता भी नहीं चला कि मैंने बॉय का नाम लिया या गर्ल का नाम लिया। इज माई पॉइंट क्लियर? कोई मान लो गेट पे खड़ा है, बाहर से नॉक कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, मुझे नहीं पता बाहर लड़का या लड़की है, मैं कहता हूँ समबडी इज वेटिंग आउटसाइड। तो मैंने बात भी खत्म कर दी एंड आपको पता पता भी नहीं चला कि वो जेंडर क्या है, ठीक है। इसी को कहते हैं इनडेफिनेट, ठीक है। तो इनडेफिनेट को ध्यान रखेंगे बच्चों किस तरीके से, कि अगर हमारे पास किसी भी वर्ड के साथ वन या क्या जुड़ जाए, बडी, वन या बड़ी जुड़ जाए, ठीक है। कौन कौन से वर्ड? समवन समबडी लिख लेना, नो वन नो बडी, आगे एनीवन एनीबडी और एवरीवन एवरीबडी, ठीक है। समवन समबडी, नो वन नो बडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, ठीक है। अच्छा और आगे बढ़ो, इसी तरीके से एक और वर्ड होता है थिंग, सेम वर्ड लगा दो, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और एक और आ जाओ आखिरी पे, एक अकेला वर्ड होता है बच्चों वन, अकेला वर्ड होता है वन, उतारो। चलो हो गया, तो ध्यान रखें कि इन सब के साथ वर्ब आएगी सिंगुलर, लिखते जाना सारे, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, दिख रहा है ना इतने बोर्ड पे, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर, इन सब में वर्ब आएगी सिंगुलर, लिख लो फटाफट। इन्हीं को कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। तो चलिए फिर इसके जरा गलतियों पे आते हैं एक बार, ठीक है। पहला, इसको छोड़ दो, फर्स्ट वाले को एडजेक्टिव वाली बात ढूंढनी है, सेकंड से जो पहले है वर्ब की गलतियां एक बार वो देख लेते हैं। यहां देखो नोबडी क्या लिखा आगे, हैव, और हमको वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर, तो हैव को काट के क्या कर देंगे, तो हैस कर दो। नेक्स्ट पे आओ, इसको छोड़ के, समबडी वर, तो वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। बाकी यहाँ पे शुड लिखा है, मॉडल है, यहाँ पे वॉज ऑलरेडी लिखा है, ये वॉज अपनी जगह करेक्ट है, ठीक है। और फर्स्ट वाले में भी शुड है तो वर्ब की गलती नहीं ढूंढ सकते। आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे एवरीवन शुड ओबे फिल इन द ब्लैंक एल्डर्स, तो कौन कौन बच्चा कहता है ए बी सी या डी, एक बार जरा मैं कमेंट देख रहा हूँ आपके, लिख के बताना, बस ए बी सी या डी लिखना, ये ही हर देयर बेयर मत लिखना, डी डी, ओ माई गॉड, एक ही बार में सबके आंसर आ गए।
मोस्टली बच्चे डी बता रहे हैं, बी प्रिया, प्रिया डी, बी डी बी 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 बीडी 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 पिया दे यार तुम लोग, बीडी बीडी सी और ए तो गया काम से हैं, बीडी 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 मतलब मेरे मुंह से भी तुम बीडी निकलवा रहे हो। देखो आप सुनो ध्यान से, वो लगातार ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं आपके कमेंट स्क्रीन में देख रहा हूँ, यहाँ पे एक ने लिखा बी, फिर फट से आ गया डी, फिर बी, फिर डी, फिर डी, फिर बी, ऐसे करके बीडी बीडी बीडी, ऐसी तो है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एवरीवन शुड ओबे फिल इन द ब्लैंक एल्डर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने आपको एक बात कही कि एवरीवन एवरीबॉडी समवन समबडी नोवन नोबडी एनीवन एनीबॉडी, जितने भी टर्म्स होते हैं वर्ब सिंगुलर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग एडजेक्टिव भी सिंगुलर लेंगे, तो यहाँ पे ये काट दो, देयर नहीं होगा। ठीक है, इस तरफ नहीं इस तरफ कटवाता हूँ बिकॉज वहाँ पे हैज लिखा था ना, तो यहाँ पे देयर नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि सारे सिंगुलर कैटेगरी के टर्म्स थे। फिर आ जाओ इट्स पे, इट्स लगाया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो इसलिए यहाँ पे इट्स का भी यूज नहीं किया जाएगा। अब बचा हर और हिज, तो बच्चे ध्यान रहे कि अगर हमारे पास कभी भी एवरीवन एवरीबॉडी समवन समबडी नोवन नोबडी एनीवन एनीबॉडी इनमें से कोई भी टर्म्स आ जाए, ठीक है, और हमें जेंडर ना पता हो तो कौन सा टर्म यूज करेंगे, तो हिज यूज करेंगे, ध्यान रहेगा हिज यूज करेंगे। अगर इनमें से कोई टर्म आ जाए, समथिंग एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग एनीथिंग कुछ भी आ जाए, तो यूज करेंगे इट्स का, ठीक है। और आखिरी में आ जाओ वन के लिए यूज करेंगे वंस, ठीक है। और लास्ट वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, आखिरी वाला ज्यादा जरूरी है, जल्दी लिखो। हो गया, चले आगे। ये नेक्स्ट, अब यहाँ पे गलती एक ही तो मिल गई, अगले पे आ जाओ। नोबडी हैज सबमिटेड, तो देयर लिखा है, काट के कर दो हिज। आगे बढ़ो, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड ऑन, सर प्लीज ऑन द माइक्रोफोन, ऑन द माइक्रोफोन, समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहे हो, ऑन देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा, इट्स लेवल। आगे बढ़ते हैं, वन शुड ऑलवेज मेंटेन हिज लिखा है, और वन के लिए हिज नहीं आता, वंस आता है, तो वन के बाद एपोस्ट्रॉफ एस कर दो। आगे बढ़ो, समबडी वाज वेटिंग आउटसाइड, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव है नहीं तो छोड़ दो, सही है, बाकी हो गया, क्लियर हो गया। कभी कभी तो मैं हैंडसम सा लगता हूँ यार, नहीं दसवारा लाइट जल जाए खोपड़े के ऊपर। चलो आगे चले, सर प्लीज अनम्यूट, ना 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 मुन्ना, ना 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 बिल्कुल नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल अनम्यूट नहीं करूंगा, ऊट पटांग चीजें पूछते हो तुम, अठन्नी ढाई ढाई रुपए वाले सवाल। चलो अब यहाँ पे एक चीज और, अब आप सोचोगे म्यूट से हटाइए ना, ना मुन्ना आखिरी में हटाएंगे। देखो यहाँ पे अब दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर इसमें हिज ही क्यों आया, हर भी तो आ सकता था, यहाँ पे हिज ही क्यों आया, सिंगुलर तो हर भी होता है, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूं। देखो द प्रिंसिपल has delivered dash speech, ठीक है, has delivered speech, तो बच्चों यहाँ पे his, her, it's या there, अब देखो सिंपल है, there आना नहीं है, it's आना नहीं है, his, her में से लगाना है। आप सोचेंगे यहाँ पे कि सर प्रिंसिपल तो लड़की भी हो सकती है, खासकर मेरी मैडम तो प्रिंसिपल ही थी, बचपन में बहुत मारा खाया हूं मैं, तो यहाँ पे हम हिज ही क्यों लगाएंगे, हर क्यों नहीं लगाएंगे, वो सुनो। जब भी हमें इंग्लिश में कभी भी ऐसा टर्म आ जाए जहां पे हमें जेंडर अनआइडेंटिफाई हो, यानी कि हमें नहीं पता कि वो जेंडर बॉय है गर्ल है क्या है, सो वी ऑलवेज यूज मस्कुलिन जेंडर। जब भी जेंडर ना पता हो तो उसी जेंडर को चुनो जिसका समाज में सबसे ज्यादा शोषण
किया जाता हो, सबसे ज्यादा जिसको शोषित किया गया हो हमेशा उसी जेंडर को चुनना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर क्यों मजाक कर रहे हो, शोषण किस बात का शोषण, अभी मैं लड़कों का दर्द बयां कर देता हूँ। आप मेट्रो में जाओ तो लड़कों का लड़कियों के लिए पूरा डब्बा खाली, लड़कों के बोगी में दो दो चार चार सीट खाली, छू के दिखा दो सीट को, आप हाथ काट के हाथ में दे देंगे लड़कियां। बस में जाओ महिलाओं के लिए पूरी की पूरी बस फ्री है, सीट तो छोड़ो पूरी बस ही फ्री है भाई साहब। तो शोषण किसका है, हर चीज में रिजर्वेशन, बेचारे लौंडे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं आज आप लोगों के साथ एक बार शेयर करता हूँ, ठीक है। आज बोर्ड पे खड़ा हुआ हूँ तो आज थोड़ा सा ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। एक बार की बात है, मैं मेट्रो, आप में से मेट्रो तो लगभग सभी बच्चे घूमे होंगे, बस जो बाहर रहते हैं दूर से हैं वो शायद ना घूमे हो दिल्ली मेट्रो में। तो एक बार की बात है, दिल्ली मेट्रो में एक जगह, एक स्टेशन है राजीव चौक नाम का, वो सबसे मेन स्टेशन माना जाता है, जंक्शन है वो। तो वो एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे सारी मेट्रो कनेक्टिविटी है, मतलब सारी मेट्रो कनेक्ट होती है, और वो ऐसा जंक्शन है जहाँ पे अगर मेट्रो रात के 11 बजे भी चल जाए ना, 11-12 बजे भी, तो भी वहाँ भीड़ होगी, इतना तगड़ा जंक्शन है वो। तो एक बार की बात है, मैं भागते हुए आया, मतलब एक दूसरे कटिंग से, मतलब किसी और रूट से, मैं इस वाले रूट पे आ रहा था मुखर्जी नगर आने के लिए। तो जैसे ही मैं, ट्रेन निकलने ही वाली थी, मैं घुस गया बिल्कुल, भागते हुए आया सीढ़ी से उतर के सीधा अंदर, और मैं घुसा और गेट बंद। ऐसी वाली फीलिंग आई, बिल्कुल हीरो वाली, नहीं जैसे किक मूवी में सलमान खान एकदम हीरो की तरह निकला, पीछे से ट्रेन जा रही है, उसी तरीके से कि मैं एंट्री किया, मैंने गेट के अंदर घुसा और गेट पीछे से बंद हुआ, ठीक है। 3 सेकंड के लिए तो समझ लो कि मेरे को ऐसा फील आया, ऐसा एहसास आया कि ओ माय गॉड, मैं कहाँ आ गया, मतलब जन्नत वाली जो असली फीलिंग बोलते हैं ना जिसको, वो वाली चीज। पॉइंट नंबर वन कि राजीव चौक जैसी जंक्शन पे घुसते के साथ ही 3 सीट खाली इधर और 4-5 सीट खाली इस साइड, ठीक है। 1 मिनट, एक और कोई आया है। हाँ, राजीव चौक जैसे जंक्शन पे आप ट्रेन में घुसो और आपको 4-5-10 सीट खाली दिख जाए, खुशी की लहर मन में दौड़ जाती है। उसके बाद और ज्यादा खुशी तो तब दिखाई दी, तब मेरे को एहसास हुआ, ओ माय गॉड भाई, सब सारी लड़कियां, एक भी लड़का नहीं, एक परिंदा भी नहीं है, एक भौरा नहीं, सारी तितलियां। मैं कहा भाई ये क्या है, एक पल को तो मेरे को मतलब मन में मतलब लगा कि भाई साहब चांद पे आ गया मैं, तो नहीं कहाँ आ गया, ऐसी वाली फीलिंग आई एक पल को तो। लेकिन ज्यादा नहीं, मात्र 3 सेकंड, 3 सेकंड में मेरे दिमाग में ख्याल आ गया, पुत्र गलत जगह आ गए हो, गलत ग्रह पे आ गए हो, तुम्हारा ग्रह नहीं है, ठीक है। वो भी राजीव चौक पे इतना खाली, वो भी 3-4 सीट, 10-12 सीट यहाँ खाली, कुछ सीट यहाँ खाली, ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल है जी, कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऊपर से सारी लड़कियां मेरे को घूर करके ऐसे देख रही हो, ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उनकी किडनी मांग ली हो, और वो भी दोनों दोनों, एक नहीं दोनों, ऐसे दीदी दीदी अपनी किडनी देना, वो भी दोनों ऐसे देख रही हो घूर करके। मैंने कहा जी जा रहा हूँ जा रहा हूँ, मैं समझ गया मैं गलत देश में आ गया। मैं पीछे मुड़ के देखा तो पीछे वाला पूरा बोगी ढसा ढस भरा हुआ है, बिल्कुल एकदम पैक हो रखे हैं लोग, ठीक है। मैंने कहा जी जा रहे हैं जी जा रहे हैं, हाथ जोड़ के मैं निकल गया। यहाँ पे गुस्से वाली बात नहीं है, यहाँ तो चलो अधिकार है, लड़कियों की बोगी फ्री जा रही है। गुस्से वाला पॉइंट देखना अब आएगा, अब आपको सुनाऊंगा ना, आपका खून खौल उठेगा। मैं अपने वाली बोगी में गया, वहां पे दो अठन्नी अठन्नी सी लड़कियां होती है ना कॉलेज, ये निब्बा निब्बी टाइप, ये खड़ी है अपना, उतरना है नहीं, गेट पे खड़ी है। अब राजीव चौक से जब मुखर्जी नगर की तरफ ट्रेन आती है तो बीच में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो नई दिल्ली पे लोग बाग उतरते ही हैं ज्यादातर, ट्रेन वगैरह पकड़नी होती है, तो उनके पास जाहिर सी बात है बैग वैग भी ज्यादा होता है। अब उन्होंने मेरे से पूछा भाई साहब उतरना है, मैंने कहा जी नहीं, कह रहे भाई पीछे आ जाओ, मैंने कहा ठीक है भाई आप उतर रहे आगे आ जाओ। अब आगे दो लड़कियां खड़ी है, वो भाई साहब ऐसी ढाई ढाई रुपए वाली बातें कर रही है, ऐसी बातें, ये पता है तेरे को मैंने तो उसको ब्लॉक मार दिया, ए हद है यार, मतलब दिमाग का दही हो गया मेरा कि क्या है यार ये ढाई ढाई रुपए वाली बातें, कोई लेवल ही नहीं है। ये नहीं कह रही है कि मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, मेरे को एसएससी क्रैक करना है, मेरे को आरके सर की क्लास ज्वाइन करनी है, ये सब बातें नहीं, हाई लेवल की बातें कुछ नहीं। ये भाई मेरी इसके ब्लॉक मार दी, उसने दूसरी आईडी बना दी, वह क्या निब्बा निब्बी टाइप बच्चे। खतरनाक पोजीशन तो तब आ गई कि जब उस आदमी ने अपना बैग उठाया तो उसका बैग गलती से लगा मेरे हाथ पे और मेरे हाथ का कोनी लग गया उस लड़की के बैग पे। उसके बाद जो उसका रिएक्शन था वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी गुस्सा आएगा। वो पीछे मुड़ी और एकदम से, अरे भैया तक क्या क्यों दे रहे हो, इतना गुस्सा, जी तो क्या उसका गर्दन मरोड़ दूं। मैंने उसको बोला कि पीछे देख रही हो पूरी पूरी बोगी खाली जा रही है, पूरी बोगी खाली जा रही है, हम जा नहीं सकते और तुम्हें जाना नहीं है।
भाई है कि नहीं हमारे साथ शोषण, भाई तुम्हें इतना ही अगर दिक्कत है, धक्का लग रहा है, उधर जाओ। मतलब मैं जो है मैं अपना जानबूझ के हाथ मारूंगा, भाई तुमसे सुंदर मेरे पास है बेवकूफ कहीं की, हद है यार, ये दिक्कत क्यों दे रहे हो अठन्नी कहीं की। उस दिन मेरे को इतना गुस्सा आया, तब मैंने कहा अच्छा भाई साहब इंग्लिश तो क्या, मैं हर जगह कहता हूँ हिजी आना चाहिए, लॉन्डो का बहुत बड़ा शोषण है, अग्री हो बॉयज तो एक बार थम दिखाओ, थम दिखाओ भाई, ये चीज तो माननी पड़ेगी। देखो विवेक ने तो थम दिखा दिया भाई, बहुत बढ़िया। ये चीज उस दिन मेरे को समझ में आई, उस लड़की का एक्सप्रेशन, अरे भाई ये धक्का क्यों दे रहे हो, ऐसा मेरे को ऐसा फील हुआ ना जैसे पता नहीं मेरे को क्या वो समझ बैठी है। मैंने कहा भाई यार तेरे पता नहीं, मतलब मेरी वाली के सामने ना तुम कुछ भी नहीं हो, 1% नहीं हो, ढेले भर की नहीं हो, और तुम जो है ऐसे रिएक्शन, हद है, जी तो क्या गर्दन मरोड़ दू उसकी। तभी समझ में आया भाई, अच्छा इंग्लिश एकमात्र ऐसी चीज है जो एटलीस्ट लड़कों को प्रेफरेंस देती है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये तो था बच्चों इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात, आगे बढ़ लेते हैं। वैसे टाइम कितना हो गया, आज तो मजा आ रहा पढ़ाने में, टाइम का अंदाजा लगा ही नहीं, चलो अभी है टाइम, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखना रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वेरी इजी, ये सबसे आसान है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो किस तरीके के टर्म्स होते हैं, उतारना एक बार मेरे साथ आप लोग। All the members of her team wished each other. एक और, सुमी एंड राशि ऑलवेज फाइट वन अनदर, ठीक है, ये है सेंटेंस, उतारो। राधिका, विवेक, अब मैंने आपके कमेंट पढ़े, विवेक कहते हैं बुरी बात है सर, हम लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए सरकार को। राधिका कहती है सर दिखाना मैम को कभी। अच्छा आपने देखा नहीं है, किस किसने देखा है, किस किसने देखा हुआ है, अच्छा चलो। पहले स्टेटस वगैरह पे ज्यादा लगाता था ना, तो पता क्या होता है, जैसे मैं फेसबुक पे मैडम की फोटो कभी डाल दी तो उस पर लाइक कॉमेंट की भरमार, ठीक है सब, और तो मैंने नहीं देखी, अच्छा लाइक कमेंट की भरमार। और मैं अगर अपने अकेले की फोटो डाल दूं तो चाहे कितना भी ज्ञान पेल दूं उस पे, कितना भी अच्छे से अच्छा कोटेशन डाल दूं, भाई साहब लोग पढ़ के आगे निकल जाते हैं, देखने वाला कोई नहीं। स्टेटस पे भी लगा दूं तो फटाफट 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 नाइस मैडम नाइस मैडम, अबे बगल में मैं भी हूँ मेरी भी तारीफ कर दो। उस दिन के बाद से आज तक है मैंने फोटो फाटो नहीं लगाई, भाई साहब मेरी कोई इज्जत ही नहीं इसका मतलब, यार बताओ लड़की के सामने तुम लोग तो, आजकल सारी लड़कियां पीछे पड़ जाती है, सर जी कौन सा मेकअप करती है मैडम, बाल कितने लंबे कैसे, अबे मेरे को क्या पता। ओ भाई आज तक तो पार्लर जाने नहीं दिया, तुम कह रहे हो ऐसे ऐसे है, ऐसे नेचुरल है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ अवर टीम विश्ड ईच अदर और सुमी एंड राशि ऑलवेज फाइट विद वन अनदर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, रेसिप्रोकल बहुत आसान होता है, ठीक है देखिए, अच्छा अच्छा ठीक है बेटा ठीक है। ये कोई और भी आई, एक सेकंड बच्चों, इसको भी जरा एंट्री दे देते हैं, ये कौन आई, ठीक है ओके आ गई। देखो रेसिप्रोकल, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में वर्ड जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा, रेसिप्रोकल इसका मतलब होता है अपोजिट यानी उल्टा, है ना, लेकिन मैथमेटिक्स अलग चीज है, इंग्लिश में इसकी मीनिंग अलग होती है, यहाँ पे इसकी मीनिंग होती है म्यूचुअल, म्यूचुअल, ठीक है। आप लोगों ने म्यूचुअल वाला वर्ड सुना है कभी, जरूर सुना होगा म्यूचुअल का, हाँ एक सेकंड, बगल से मेट्रो जा रही है, हाँ अब आप कहोगे सर हरियाणा में मेट्रो कहाँ से आ गई, तो हरियाणा की जो ये है ना
दंदनाती ट्रेन जो जाती है यह हरियाणा में मेट्रो से कम नहीं है। इसमें भी लड़कियों के लिए बोगी फ्री है रे, एक बार तो कांड इसमें इसमें भी हो गया, बच गया मैं, यहाँ तो छोरियां गिर गिर के मारती। चलो मेरे को तो पता ही नहीं इसमें लड़कियों की भी बोगी फ्री होती है। अब हर जगह गदर मचा रखा छोरियां ने। तो रेसिप्रोकल इसका मतलब इंग्लिश में होता है म्यूचुअल। म्यूचुअल सुना है वर्ड, जरूर सुना होगा एक दो जगह, म्यूचुअल फ्रेंड फेसबुक पे, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड इज द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इस तरीके से होता है। देखो म्यूचुअल का मतलब होता है सेम टू सेम, दोनों साइड से। होता क्या है कि अगर मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, मान लो ये हमारे पास है सुमी, ठीक है, और एक और आई हमारे पास, इसका नाम है फाबिया, ठीक है, फाबिया ऐसी स्पेलिंग है ना या कुछ और है, हाँ जो भी है, हाँ ऐसे ही है कुछ, विभा फाबी, हाँ जो भी है एक्स वाई जेड। तो एक बार की बात है, सुम्मी और फाबिया ये दोनों है बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। सुम्मी फाबिया को की हेल्प करती है, फाबिया भी सुम्मी की हेल्प करती है, सुम्मी फाबिया को सपोर्ट करती है, फाबिया भी सुम्मी को सपोर्ट करती है, सुम्मी फाबिया से प्यार करती है, फाबिया भी सुम्मी से दोस्ती वाला प्यार करती है, ठीक है। अब ये एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ा प्यार है दोनों में। एक दिन की बात है कि इसके उपले चोरी हो जाते हैं, सुम्मी के उपले चोरी हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जिसको उपले नहीं पता चला, वैसे मोस्टली बच्चे तो समझ गए होंगे, जो समझ गए लिखना या बोलना नहीं है, चुप रहो, जो नहीं समझे मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये एक केक टाइप का होता है, दैट इज समथिंग लाइक केक, एक चॉकलेट केक टाइप का होता है, ठीक है। तो बाकी जिसको पता चल गया वो चुप रहना। तो इसके चॉकलेट केक जो है इसके उपले गायब हो जाते हैं, सूखे होते हैं चॉकलेट केक, ठीक है। तो ये इस पे ब्लेम मार देती है, इसी ने चोरी किया होगा, यही आती है मेरे घर। अब उस दिन होता क्या, फाबिया के भी उपले चोरी हो गए, ले हद तो तब हो गए जब दोनों के ही उपले चोरी हो गए, ठीक है। अब इसने इस पे ब्लेम मार दिया, इसके घर आई, इसने एक धर के दिया खींच के, तेरी तूने चोरी किए होंगे मेरे, इसने भी एक धर के दिया, इसके भी चश्मे नीचे, ठीक है। अब हुआ क्या, सर अनुष्का भी पार्ट रखे, सर अनुष्का नहीं चलो तो होता क्या है कि अब जो है ये और ये दोनों आपस में लड़ते हैं। इतने में क्या होता है कि तीसरी एक आ जाती है, तीसरी कौन आ जाती है, तो राधिका, ये राधिका की एंट्री हो गई, ठीक है। अब राधिका आकर के कहती है, अरे यार लड़ते रहते हो, लड़ाई लड़ाई बंद करो, बस बस कह रहे हो, ठीक है। अब ये आके कहते हैं दोनों को कि लड़ाई लड़ाई बंद करो, ठीक है। ये दोनों अपनी लड़ाई छोड़ देते हैं, इसको पकड़ के कूट देते हैं, तू कैसे बीच में बोली, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, हम चाहे गले मिले लड़े मरे कटे, तेरे को क्या है, बीच में कैसे धर दिया इसने पकड़ के। तो पहले क्या था, दो लोगों के बीच का कनेक्शन था, अब क्या, दो से ज्यादा का है, ठीक है, अब आपस में चालू हो गए। तो सिंपल सी बात थी कि रेसिप्रोकल एक तो होता है ओनली टू, सिर्फ दो लोगों के लिए, एक होता है मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा के लिए। अगर सिर्फ दो लोगों की बात है तो यूज किया जाएगा ईच अदर, और अगर दो से ज्यादा है तो यूज किया जाएगा वन अनदर, याद रहेगा ईच अदर और वन अनदर, फर्क क्लियर हो गया, क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, जल्दी करो। दो लोगों की बात है तो ईच अदर बोला जाता है, दो से ज्यादा है तो वन अनदर बोला जाता है, चलो जल्दी लिखो। चलो हो गया, हाँ तो अगर दो हैं तो ईच अदर, ज्यादा है तो वन अनदर। तो बच्चों यहाँ पे गलती आपको पता चली गई होगी कि फर्स्ट में ईच अदर लिखा है, कर दो वन अनदर, ठीक है, और यहाँ वन अदर लिखा है, कर दो ईच अदर। तभी आप लोग कभी गौर करना कि जब शादी होती है किसी की तो उस जोड़े को क्या बोला जाता है, मेड फॉर ईच अदर, होता है कि नहीं, ठीक है, बोलते हैं मेड फॉर इच अदर, सुना है ना, ऐसा जरूर सुना होगा। तो वहां पे मेड फॉर इच अदर होता है, अगर गलती से भी बोल दिया मेड फॉर वन अनदर तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मीनिंग समझ गए क्या हो जाएगी, खतरनाक वाली, इसका मतलब दो से ज्यादा की बात हो रही है, मतलब वहां पे उसने खुद को भी इंक्लूड कर लिया, तो इसलिए मेड फॉर इच अदर बोला जाता है शादी के जोड़े को, ना कि मेड फॉर वन अनदर, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, बोलो यस।
चलो मैं देख रहा हूँ ये। यस सर, यस सर, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके तो ये तो हुआ हमारा रेसिप्रोकल। अब मैं एक बार ना नाम लिखवा देता हूँ, एक बार सबके नाम लिखवा देता हूँ। आपका जो जो होता जाए आप उसको टिक करते जाइएगा, ठीक है। पहला था पर्सनल प्रोनाउन, आप लोगों के सस्पेंस ना रहे इसलिए नाम फटाफट लिख लो। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। नहीं, एक और हुआ है ना, ये भी हो गया इनडेफिनेट, तो चार हो गए हमारे। हो गया, डन डन डन। चलो तो इसके आगे की चीजें करेंगे आगे अगली क्लास में। अब मैं आप लोगों का माइक कर देता हूँ ऑन, आप लोगों को आपकी आवाजें दे देता हूँ, एक एक करके बोलना, ठीक है, वन बाय वन बोलना। रुको, एक एक करके, एक एक करके बोलना। हाँ जी, 7 नंबर में सर क्या लिखे हैं? कितने नंबर पे? सेवन सेवन एक्सक्लेमेटरी। अच्छा सर, आप रोज ही 9 बजे लोगे क्लास? हाँ जी, एक बार चेहरा तो दिख जाए। अरे तुम लोग अब तो ऑन कर लो अपने अपने कैमराज, कैमरे ऑन करते ही नहीं हो सर, प्लीज 9 बजे से मत लीजिए। हाँ ये कौन? यस सर, 9 बजे मत लीजिए। अरे आपने ठीक करा था 9:30 बजे, आज तो मुझे पता नहीं था, सारी पूरी क्लास मिस हो गई। अरे रे पुत्री, मैं हर बार हाँ क्लास सर, से आपने मैसेज पहले किया था। आधे हाँ घंटे पहले मैं लेकिन सबको सर कोई मैसेज देखे ड्रॉप ना, करता हूँ। आपको पहले क्लास में बता देना चाहिए था। अरे आप लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा है, मेरे नौ बोल बजे कौन से रहा है ठीक है पहले। सर। चलो एक काम कर लेते हैं, मैं फिर से एक बार जो है व्हाट्सएप के थ्रू आपसे बात कर लेता हूँ ग्रुप के अंदर ही, ठीक है, अलग से ग्रुप करके जैसा भी होगा बता देना, फिर मैं उसके हिसाब से कर लेंगे कोई सर जी, ऐसे। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं 9 बजे ड्यूटी से आके एकदम से क्लास नहीं ले सकती। कौन कौन आप कौन? रश्मि? अच्छा, अरे राशि तुम हो। चलो ठीक है ठीक है ठीक हाँ है। सर, क्योंकि आज तो खैर मैं मैं बाहर जस्ट आया हुआ नौ था। बजे ठीक रूम में एंटर किया है और पुत्री, तो क्लास मैं बोल स्टार्ट हो देता गई हूँ, तो मैं नहीं बोल हो देता पा रहा। हूँ, ठीक है पुत्री मैं बोल देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ही आपकी बात आगे बढ़ा देता हूँ। आज तो मैं एक्चुअली बाहर आया हुआ था, मैं घर पे नहीं सर था, आप देख ही रहे हो। मैं ऑन बोर्ड आप लोगों की क्लासेस ले रहा हूँ आज, तो इसलिए आज मैंने इस टाइम की क्लास रख दी, तो आज का अगर आपका छूट गया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। ये 1 मिनट ही किसका बार बार ब्लिंक कर रहा है, 1 मिनट। चलो हाँ अब ठीक है, ओके एवरीबॉडी। तो फिर इसका जो बैकअप वाला पार्ट है
वो आपको आगे जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक का नाउन तक का पार्ट आप लोगों को जरूर पहुंच चुका होगा। नाउन के नोट्स आप लोगों को मिल गए पूरे, नाउन के नोट्स आप लोगों तक आ चुके हैं, सब तक जरूर पहुंच गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट बैकअप आप लोगों तक आ चुका है, कंप्लीट बैकअप आ चुका है, ये मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और इस बैकअप के अंदर आपका टेंस प्लस वॉइस प्लस नरेशन प्लस कंडीशनल प्लस नाउन, यहां तक आप लोगों को मिल चुका है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग कहोगे कि सर मैं उस पर क्लिक कर रही हूं लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा। मैं बताता हूं ऐसा क्यों है, मैं आपके क्वेश्चन समझ गया हूं, ध्यान से सुनो। उस पर जब आप क्लिक करते हो तो उसके लिए मतलब एक एक्सेस के लिए परमिशन आता है, वो डायरेक्टली मेरे मेल आईडी से अटैच होता है, ठीक है। तो वहां से वो जब ग्रांट हो जाता है, आपका परमिशन अलाउ हो जाता है, तो आपको अपने आप मिलता है। एक्चुअली हुआ क्या था लास्ट टाइम भी कुछ इसी तरीके से, आर यू कमिंग टू कश्मीर, हाँ हाँ जल्दी आऊंगा, लेकिन अभी ये थोड़ा डिले हो रहा है, वहां का सुना है मौसम खराब है इसलिए ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो जरूर आऊंगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब मैंने लास्ट टाइम ऐसे ही किया था कि मैंने वो सबके लिए ओपन कर दिया था सारा का सारा बैकअप वाला पार्ट, तो कई बच्चों ने उसका आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बहुत सारी चीजें ऐसे खराब हो गई थी, तो इसलिए इसको आप एक प्रोटेक्टेड रहेगा पूरा का पूरा हमारा बैकअप वाला क्लास। तो अगर किसी को भी इसको एक्सेस करना है इस पे लिंक पे क्लिक करो, ठीक है, और अगर ये ओपन ना हो तो मेरे को उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। मतलब 10 से 15 मिनट में, जैसे मैं व्हाट्सएप ऑन करूंगा जो भी है, तो 10 से 15 मिनट में आपको वो एक्सेस ग्रांट हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और सबको जय हिंद। एक बार मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं, क्या लिखा आपने, आर यू कमिंग टू कश्मीर, यस यस मैं जरूर आऊंगा, जल्दी आऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल आऊंगा फाविया। और कौन क्या लिखा, नहीं ओपन हो रहा, हाँ मैंने बता दिया ना, वो एक्सेस कर दूंगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके एवरीबॉडी, तो फिर बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और सभी को जय हिंद, ठीक है, इसको बंद कर दो।